तो आज की स्टूडियो मैं बनने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड, वो भी माइनक्राफ्ट पे हार्डकोर में। आपको पता ही होगा हार्डकोर कितना मुश्किल होता है, और मैं खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में, यार वो डबल मुश्किल हो जाता है पे प्लेयर्स के लिए। तो आज की स्टूडियो में मैं बनने वाला बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड, पूरे आर्मर को एनचांट कर दूंगा एंड नेदरराइट में भी कन्वर्ट कर दूंगा। तो पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी देख लेना, उसमें हमने 10 घंटे माइनिंग की थी एंड उसके बाद हमने डायमंड आर्मर एंड टूल बना दिए थे। तो यार लेट्स बिगिन। तो अभी मैं चलता हूँ वुड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे विलेजर को एक लाइक केज में बंद करना है एंड वहाँ पे उनकी ब्रीडिंग करूँगा एंड वहीं से ट्रेडिंग वगैरह कर लूँगा। तो पास में सवाना बायो में, तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। जल्दी से चलता हूँ स्विम करके, फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे एंड वो रहे थोड़े से ट्री। तो जल्दी से यार ट्री चॉप करता हूँ एंड वहीं पे विलेजर को केज में बंद करता हूँ एंड सारे विलेज के बेड वगैरह तोड़ के वहीं लगा दूंगा ताकि वो अपने आप आएंगे। क्या मैं मिलता आपको थोड़े से टाइम के बाद। तो गई आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे विलेजर्स को ला दिया, तीन ही विलेजर थे पूरे गांव में एंड सारे बेड मैंने लगा दिए। तो एक को मैं फ्लेचर बनाऊंगा एंड एक को मैं बनाऊंगा मेसन, ठीक है, जिनसे स्टिक एंड वुड वगैरह कलेक्ट करूंगा। तो चलते वो कलेक्ट करने एंड फिर इनसे ट्रेडिंग करते हैं। तो गई मैं आ चुका थोड़ा सा विलेज के पीछे, यहाँ पर मैं वुड वगैरह कलेक्ट करता हूँ एंड क्ले भी कलेक्ट करता हूँ। तो आप इन्जॉय करो एक छोटा सा मॉन्टेज। तो गई जी अभी मैं जाने वाला हूँ एनचांटिंग सेटअप बनाने। तो यहाँ पे लावा पूल था, तो यहाँ से मैं थोड़े से ऑब्सीडियन कलेक्ट कर देता हूँ एंड एनचांटिंग सेटअप बनाने आपको मिलता हूँ। एंड ये बन गया हमारा एनचांटिंग सेटअप। जस्ट किडिंग यार, अभी तो बुकसेल्फ वगैरह बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से मैं शुगर केन कलेक्ट कर रहा हूँ, वुड भी कट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं विलेजर से ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, उनकी ब्रीडिंग भी करा रहा हूँ एंड बहुत कुछ, ठीक है। तो अभी मैं जाने वाला बहुत ही लॉन्ग ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग से जो एक्सपी मिलेगी उससे मैं एनचांटिंग भी करता रहूँगा बुकसेल्फ वगैरह लेके। तो अब आप इन्जॉय करो एक छोटा सा नहीं कहूँगा एक या डेढ़ मिनट का मॉन्टेज। यार एक बार आपको दिखा देता हूँ कितने विलेजर है अपने यहाँ पे, तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा विलेजर्स है। तो अभी मैं इनसे ट्रेडिंग करने वाला हूँ बुक्स, ठीक है, मेन मैंने दो चार बुकसेल्फ बना ली, सॉरी यार जो भी इसको लेक्टन कहेंगे, तो ये बना लिए। तो अभी मैं इनसे ट्रेडिंग करता हूँ। तो कहिए ये बंदा एक मैंडिंग दे रहा है, ठीक है, हमें मैंडिंग दे रहा है ये बुकसेल्फ, यार क्या बोलते हैं इसको, लाइब्रेरियन, ठीक है, ये हमें मैंडिंग दे रहा है, देख सकते हो 28 एमरल्ड्स में। तो इसे बुकसेल्फ खरीदते जिससे हमारा एनचांटिंग सेटअप भी बन जाएगा एंड बुक्स वगैरह भी ट्रेड अनलॉक हो जाएगी। तो थोड़ी सी बुकसेल्फ यहाँ पे चेस्ट में पड़ी है, लाइक चार बुकसेल्फ पड़ी है एंड 12 मेरे पास पहले से है, तो 16 हो गई। तो 30 लेवल का एनचांटिंग सेटअप तो आराम से बन ही जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ से ये तोड़ते हैं एंड यहाँ पे ये यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एंड यहाँ पे तीन तीन की लाइक दो लेन बना देते एंड यहाँ पे हो गई 6 एंड थोड़ी बहुत यहाँ पे लगा देते एंड इधर भी लगा देते एंड अभी 4 बचेगी, तो दो दो इधर इधर भी लगा देते लाइक, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एनचांटिंग सेटअप, तो देखते 30 लेवल के है या नहीं। तो गई जब मैं बोरिंग पार्ट नहीं दिखाना चाहता, तो अभी आप थोड़ा सा ना इन्जॉय करो लाइक टाइम लैप्स, ठीक है, उसके बाद सीधे मेन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गई मैं आ चुका लस्के में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्ले मिलती है यार, क्ले से मैं ट्रेडिंग करने वाला, आप देख सकते हैं एक्सपी जो मेरी बढ़ रही है ना ट्रेडिंग से ही बढ़ रही है, लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्सपी बढ़ती है। तो यहाँ से मैं बहुत ही ज़्यादा क्ले इन्वेंट्री भर के लेके जाता हूँ एंड ट्रेडिंग करता हूँ एंड फिर चलते हैं नेदर लाइक अपने आर्मर को एनचांट वगैरह करके। तो गई मैंने एक एनविल लगा रखा था पहले, बना रखा था पहले से, तो यहाँ पे एनविल लगाते थे इधर एंड अभी मेरे पास जितने भी बुक्स मैंने ट्रेड वगैरह की सारी मैंने क्लिप्स दिखाई है। तो अभी आर्मर को लेता हूँ एंड इन सब को एनचांट करना शुरू कर देता हूँ।
तो गई जब मैंने फाइनली पूरा आर्मर एनचांट कर लिया, लाइक प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3 एंड मेंडिंग सब में लगा रखी, आप देख ही पा रहे ये लेगिंग्स पहले तो एंड चेस्ट प्लेट भी, तो सब में इसमें रिस्पिरेशन 3 मिला था मुझे, तो इसमें वो भी लगा रखा है एंड आप देख सकते हो पूरा मैक्स है ठीक है। एंड हेलमेट यहाँ कहाँ आ गया यार, चलो इसको वापस पहन लेते हैं। तो अब चलते यार नेदरराइट माइनिंग के लिए, तो अभी जल्दी से बनाता हूँ मैं नेदर पोर्टल एंड सीधे नेदर में मिलते। ओके तो मैं नेदर में आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिप लाइन बनाता हूँ एंड फिर बेड ब्लास्ट करता हूँ, मेरे पास वूल वगैरह है सब ठीक है। तो मैं बेड ब्लास्टिंग करता हूँ, आप छोटा सा माउंटेज इंजॉय करो एंड जितने भी एंशिएंट डेब्रिस मिलेंगे मैं ला। तो यार बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट डेब्रिस के ब्लास्ट के बाद यार आप देख सकते हो एक गड्ढे ही गड्ढे बन रखे, तो कुल मिला के मैंने फाइंड किए 42 एंशिएंट डेब्रिस, या लाइक मैंने 40 से 50 बेड ब्लास्ट किए ठीक है, और बहुत ही बड़ी लाइन बन गई है। और आप देख सकते हो इन्वेंट्री मेरे पास 40 अभी है एंड 2 मैंने मेरे घर पर रख रखे थे क्योंकि पहले इन्वेंट्री फुल हो गई थी तो मैंने घर पर रख दिए थे। तो अभी घर पर चलते एंड इनको स्मेल्ट वगैरह करते फिर बनाते अपना नेदरराइट आर्मर। तो यार मैंने स्मेल्ट कर दिए एंशिएंट डेब्रिस एंड गोल्ड एंड यहाँ पे अभी बनाते 10 इंगट बन रहे ठीक है, एंड 10 की मुझे ज़रूरत भी नहीं, शायद से 1-2 एक्स्ट्रा बन जाएंगे पर देखते हैं। 10 इंगट बना दिए तो यार अभी एक्सपी कम है एंड स्वॉर्ड वगैरह आप देख सकते हो एंचेंट नहीं है, तो मैं थोड़ी एक्सपी कलेक्ट करता हूँ एंड टूल्स वगैरह को एंचेंट करने के बाद ही एंशिएंट डेब्रिस से कवर करते। तो गई जब फाइनली यार सारे टूल्स एंड आर्मर वगैरह फुल एंचांट है तो अभी यहाँ से निकाल देते हैं एंड ये मैंने स्मिथिंग टेबल बना रखी है, तो जल्दी से यार नेदरराइट में कवर करते हेलमेट चेस्ट प्लेट लेगिंग्स एंड बूट। फाइनली आर्मर तो पूरा हो चुका है तो अभी इसको कर देते हैं इसमें फॉर्चून 3। सॉरी यार मैंने लगाना भूल गया, इधर मेरे पास थी थोड़ी सी बुक्स तो उनको भी लगा देता हूँ, ये रिमेंडिंग अनब्रेकिंग वगैरह की, तो इनको लगाने के बाद आपको मिलता हूँ। फाइनली यार बहुत ही ज़्यादा घंटों की मेहनत के बाद हम अपना नेदरराइट आर्मर पहन रहे हैं एंड आप देख सकते हैं फुल्ली नेदरराइट में कवर हो चुके ठीक है। बस एक सवाल बचा है तो उस पर अच्छे एंचांट में लगा के मैं कवर कर दूंगा या अगली वीडियो में बता ही दूंगा ठीक है। आई होप अगली वीडियो में कुछ अच्छा ही करूँगा, इसमें तो मुझे लगता है बहुत बोरिंग वीडियो बन गई होगी यार। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार, डिस्कॉर्ड को भी जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर देना, 300 मेंबर के क्लोज है, कितनी बार बोले यार, पिछली वीडियो में भी बोला था अब की बार भी बोल रहा हूँ, हमें 1K मेंबर करने इस साल से पहले ठीक है, एंड 1K से ज़्यादा ही करेंगे तो हमारा कोई नुकसान तो है नहीं। तो यार वीडियो में इतना ही था, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग वीडियो था ये, पिछली वीडियो भी यार 10 घंटे के माइनिंग की थी 11 आवर की रिकॉर्डिंग वगैरह एंड अभी ये एंड आने वाले वीडियोस और भी ओपी होने वाले, लाइक यही था लाइक बोरिंग से बोरिंग वीडियो ठीक है। तो इसके बाद बहुत ही ओपी बिल्ड वगैरह के वीडियो आएंगे, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मैं मिलता हूँ आपको ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।